प्रस्तुतकर्ता बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली का दौरा, यहां अमेठी से राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के घर शोक संवेदना व्यक्त की। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग जारी, सीएम योगी सीएम धामी समेत कई दिग्गज मौजूद। लखनऊ में शिवपाल यादव भी ले सकते हैं बड़ा फैसला, कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम केजरीवाल का ऐलान, कहा दिल्ली के फूड हब को करेंगे बड़ा, मजनू का टीला और चांदनी चौक को बनाएंगे फूड हब। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली के फूड हब की करेंगे ब्रांडिंग, 5 साल में 20 लाख लोगों को देंगे रोजगार। प्रयागराज स्टेशन में नमाज पढ़ने का एक और वीडियो आया सामने, स्टेशन पर कुछ लोग नमाज अदा करते आए नजर। प्रयागराज स्टेशन पर नमाज पढ़ते वक्त खुल गई ट्रेन, ट्रेन चलने की वजह से दौड़ते नजर आए लोग। काशी विश्वनाथ मंदिर में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, जांच के मिले आदेश। बरेली में बंदरों का आतंक जारी, 60 साल के बुजुर्ग पर किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, एक हफ्ते पहले 4 महीने के बच्चे को पिता से छीन कर फेंका था। झांसी के मरानीपुर तहसील क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव में आकाशीय बिजली का कहर, 3 लोगों की मौत, 7 लोग झुलस गए। फतेहपुर जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही का आरोप। पीलीभीत जिला अस्पताल में इलाज के बाद गई आंखों की रोशनी, नेत्र चिकित्सक ने 2 लोगों का किया मोतियाबिंद का इलाज। लखनऊ के गाजीपुर में 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ 6 अभियुक्त गिरफ्तार। आजमगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गुजरपार गांव के पास आरोपी को पकड़ा, गैंगस्टर मामले में वांछित आरोपी। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला किस्सा सामने, एलएनजेपी हॉस्पिटल में इलाज जारी। मंकी पॉक्स को डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ इमरजेंसी किया घोषित, भारत में अब तक मिल चुके हैं 4 मामले। उत्तरकाशी में भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस, 3.6 मापी गई तीव्रता।